वेल हेलो फ्रेंड्स, सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 18 के बारे में। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले हमको टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दी हुई है 40 लाख रुपीज़। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि भी एस्टिमेटिंग कॉस्ट हमको दी हुई है 36,80,000। ओके ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि यहाँ पे हमको एस्टिमेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि कंपनी रिसीव करती है 14,40,000 रुपीज़। दैट इज़ 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड के भी वर्क सर्टिफाइड के 90% कंपनी को रिसीव मिला है, कैश रिसीव हुआ है 14,40,000 रुपीज़ का। इसके आगे हमको वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट दी हुई है 40,000 रुपीज़। एंड कौन से एक्सपेंसेस अकर हुए उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लगे कि मटेरियल का 4 लाख रुपीज़ इनकर हुआ एक्सपेंस, लेबर का है 10 लाख, प्लांट का एक्सपेंसेस है 80,000। ओके इसके आगे हमको मटेरियल की कॉस्टिंग भी दी हुई कि भी 20,000 मटेरियल डैमेज हो चुका है। एंड इसके आगे हमको लिखा है कि प्लांट का पे डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है 25%। ओके यहाँ पे हमको क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो हम प्रिपेयर करते ही है, इसके साथ में हमको क्या शो करना है कि भाई सो ऑल द पॉसिबल फिगर दैट कैन बी रिजनेबल क्रेडिटेड टू PNL अकाउंट। ओके तो यहाँ पे कौन से अमाउंट PNL अकाउंट पे हम क्रेडिट कर सकते हैं उसके बारे में हमको पूछा गया है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में एस्टिमेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से एस्टिमेटिंग कॉस्ट निकाल के हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो इसलिए हम हमने जब थियरी पार्ट डिस्कस किया था तब हमने एस्टिमेटिंग प्रॉफिट की भी 4 फॉर्मूलाज देखे थे, तो वही यहाँ पे अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। ओके तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भी यहाँ पे कौन सी चीज़ें हमको पुट करनी है। सबसे पहले क्रेडिट साइड मटेरियल डिस्ट्रॉयड पुट कर दिया है 20,000 रुपीज़। ओके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके आगे हमने क्या चीज़ें पुट की है, डेबिट साइड मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का है, डेप्रिसिएशन हमने 80,000 पे 25% करके 20,000 रुपीज़ पुट कर दिया है। इसके आगे जब हम क्रेडिट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट भी हमने पुट कर दी है 40,000 रुपीज़। एंड इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कैसे है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में 90,000 पे सॉरी 90% पे 14,40,000 की अमाउंट दी हुई, तो 100% पे कितना आएगा। इस प्रकार से हमने वर्क सर्टिफाइड की भी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आएगी 16 लाख। ओके चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि भी सबसे पहले हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पे सबसे पहले हम नॉशनल प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड उसमें से लेस करेंगे तो हमको नॉशनल प्रॉफिट की अमाउंट मिल जाएगी, वो आएगी 2,40,000। ओके तो चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं 4 फॉर्मूलाज के बारे में। इसके लिए हमको सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट की आवश्यकता रहेगी, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे। ये दोनों चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमको कितना मिलेगा कि भाई 20,000 आएंगे हमारे। ओके चलिए अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले वाले फॉर्मूला। यहाँ पे हमको पहले वाले फॉर्मूला में क्या लिखा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है सॉरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल कॉस्ट टू डेट। एंड यहाँ पे टोटल कॉस्ट में हम क्या पुट करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके क्या पुट करेंगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टोटल कॉस्ट टू डेट हमने कैसे फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे उसके लिए हमने कौन सी चीज़ों ऐड की है कि भाई मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है, सारे कॉस्ट है हमने ऐड किया, तो हमको कितनी अमाउंट मिली, 14,20,000। ओके चलिए इसको डिवाइड किया है हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से, ओके वो है 36,80,000। एंड इसको सॉल्व किया तो हमको फर्स्ट फार्मूला से कितना प्रॉफिट PNL अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए उसकी अमाउंट मिल गई। चलिए दूसरी फार्मूला में क्या ऐड किया है कि भी कैश रिसीव
रेशियो ऐड किया हुआ है कि कैश रिसीव टू वर्क सर्टिफाइड रेशियो, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हमको कैश में पेमेंट कितना मिलता है वर्क सर्टिफाइड का, 90%। इसलिए इसी फॉर्मूला को हम आगे 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेकंड फार्मूला से आंसर मिलेगा 111,130। ओके चलिए अब हम तीसरी फार्मूला की बात करेंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट को वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, ओके सॉरी डिवाइड किया है। तो चलिए यहाँ पे हम ये भी फॉर्मूला पुट कर देते, हमारे पास क्वेश्चन में है कि भाई वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की अमाउंट कितनी है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है। तो हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, 1,28,000। ओके एंड अब हम लास्ट फार्मूला की बात करें तो इसी फार्मूला को दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई किया है कि वो कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड से, तो वो रेशियो है 90%। एंड इस प्रकार से हमको कितना अमाउंट मिलेगा, 1,15,200 रुपीज़। ओके तो जब हमको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी हुएगी एंड एस्टिमेट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल के हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस प्रकार से ए फोर फॉर्मूला का क्वेश्चन में हम से हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके तो यहाँ पे कई लोग ऐसा भी बताते कि हमको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई 90% वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भाई 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके केवल वर्क कंप्लीट कितना हुआ है कि भाई यहाँ पे 16 लाख का वर्क सर्टिफाइड हुआ है एंड अनसर्टिफाइड की अमाउंट है 40,000। तो यहाँ पे हम कहीं से भी ऐसा नहीं कह सकते कि डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन इज़ 90%। ओके यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला का यूज़ किया है उसका कारण केवल यही है कि हमको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड फॉर्मूला एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है। ओके इस प्रकार से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से पीएनएल अकाउंट में कितनी अमाउंट क्रेडिट करनी चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो आप इस प्रकार से लिस्टेशन नंबर 11 सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।